सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर जान दे दी हेड कांस्टेबल ने। सामो थाने में तैनात था हेड कांस्टेबल। सुसाइड नोट में पारिवारिक कारणों का जिक्र। जयपुर ग्रामीण में स्थित सामोद पुलिस थाने के एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली और जान दे दी। आज सवेरे इस बारे में जब पुलिस स्टाफ को जानकारी मिली तो स्टाफ ने अफसरों को बताया और बाद में पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। सामोद पुलिस ने बताया कि हेड कांस्टेबल श्रीराम सामोद थाने में कई महीनों से तैनात थे। थाना परिसर के पास ही स्थित क्वार्टर में श्रीराम रह रहे थे और यहीं से हर रोज ड्यूटी पर आ रहे थे। बीती रात भी ड्यूटी के बाद वे अपने क्वार्टर पर गए थे। देर रात क्वार्टर बंद कर श्रीराम ने खुद को गोली मार ली। आज सवेरे जब काफी देर तक वे बाहर नहीं आए तो साथियों ने क्वार्टर पर जाकर देखा। वहां देखा तो पाया कि श्रीराम का खून से सना शव पड़ा था। घटना के बाद जयपुर ग्रामीण पुलिस विंग के अफसर और एमएलए रामलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद शव को राजकीय अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया। बताया जा रहा है कि क्वार्टर से एक सुसाइड नोट भी मिला है और इसमें पारिवारिक कारणों के चलते ये कदम उठाने का जिक्र है। हालांकि इस सुसाइड नोट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसे पुलिस अफसरों के हवाले कर दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले चूरू जिले के राजगढ़ थाने के थाना अधिकारी विष्णु दत्त ने भी सुसाइड कर लिया था। उनकी मौत के बाद जांच को लेकर मामले ने तुल पकड़ा था और उसके बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। उन्होंने परेशान होकर सुसाइड करने की बात लिखी थी। कुछ राजनेताओं का भी इस केस में नाम आया था। उनकी मौत की जांच की जा रही है। रात 2 बजे आया रिवॉल्वर लेने श्रीराम के साथियों ने अपने अफसरों को बताया कि वह परिवार के सदस्यों में चल रहे आपसी विवाद से भी परेशान था और कई बार इसका जिक्र भी करता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वह खुद की जान ले लेगा। थाना परिसर के बाद जिस क्वार्टर में वह रह रहा था वहां उसका परिवार उसके साथ नहीं रहता था। परिवार गांव में ही रहता था। देर रात करीब 2 बजे वह किसी काम से थाने आया और उसके बाद चला गया। बाद में पता चला कि वह मालखाने से रिवॉल्वर लेने आया था। तड़के उसकी मौत की खबर से पूरा थाना सुन्न रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान। सर, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। हमारे परिवार के इस परिवार के सदस्य श्री श्रीराम जी, जो कि बहुत सिंसियर हाईली डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर थे और कुछ ऐसी घटना घटित हुई जो हमारे लिए बहुत ही दुखद और पूर्णीय क्षति है। कब की घटना है सर ये? ये कल किसी पारिवारिक काम से गए थे रात को और देर रात 2-2.5 बजे के बीच में यहाँ आए थे और उसके बाद में करीब 2-2.5 बजे के बाद की ये घटना। सुबह जो 5:10 बजे वापस आती है तो उसके साथ ही जो बैरक में रहते हैं।